दीपावली आ गई है, आप लोगों ने अपने घर की सफाइयां कर ली होंगी, साज सजावट का सामान ले आए होंगे, घर को सजा भी दिया होगा। लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जिनके मन में कई तरीके के सवाल हैं, जिनसे वो परेशान हैं। लिहाजा उन तमाम सवालों के जवाब लेकर हम आ गए हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं दिवाली पूजन के बारे में, किन किन देवी देवताओं की पूजा आपको करनी चाहिए, किस देवी या किस देव को किस दिशा में स्थापित करना चाहिए, देवी देवताओं की मूर्ति का आकार कैसा होना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे ताकि आपकी दिवाली आसान हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल तो यही आता है कि दीपावली पर किस किस देवी देवता की पूजा होनी चाहिए। कुछ लोग दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन ख्याल रखिए कि आपको लक्ष्मी गणेश और सरस्वती की पूजा करनी है। जी हाँ, लक्ष्मी गणेश और सरस्वती, ऐसा क्यों? आपको ये भी बताते हैं। दरअसल लक्ष्मी को संभाल कर रखने के लिए हमें सरस्वती और गणेश की जरूरत होती है। सरस्वती माँ ज्ञान की देवी है और गणेश बुद्धि के देवता। अगर किसी अज्ञानी के हाथ में लक्ष्मी आएगी तो वो उस लक्ष्मी को अपने पास रोक नहीं पाएगा। लिहाजा लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर रखने के लिए आपको ज्ञान और बुद्धि की बेहद जरूरत है। इसीलिए दीपावली पर हम लक्ष्मी के साथ साथ गणेश और सरस्वती का पूजन भी करते हैं। अब बात करते हैं कि किस देवी देवता को किस दिशा में स्थान मिलना चाहिए। तो बता दें कि सरस्वती को लक्ष्मी की दाईं ओर और गणपति को बाईं ओर बैठाया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क में दाईं ओर ज्ञान होता है और बाईं ओर रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी होती है। गणपति बुद्धि के देवता हैं, हमारी बुद्धि रचनात्मक होनी चाहिए, इसीलिए गणपति को लक्ष्मी की बाईं ओर स्थान व सरस्वती को दाईं ओर स्थान दिया जाता है। अब अगले सवाल पर आते हैं कि किस देवी देवता की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी की मूर्ति की। लक्ष्मी की मूर्ति के लिए आपको कई अहम बातें जहन में रखनी है। सबसे पहले तो ये कि जिस लक्ष्मी की मूर्ति की या चित्र की आप पूजा कर रहे हैं उसमें लक्ष्मी उल्लू पर सवार ना हो, क्योंकि ऐसी लक्ष्मी को शुभ नहीं माना जाता। आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि लक्ष्मी उस मूर्ति या फिर उस चित्र में खड़ी हुई ना हो, क्योंकि ऐसी लक्ष्मी को चंचल माना जाता है। कहा जाता है कि अगर लक्ष्मी खड़ी हुई हो तो वो घर पर स्थिर नहीं रहती, क्योंकि इस तरीके की मूर्ति या तस्वीर में लक्ष्मी जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ऐसे में ख्याल रखें कि लक्ष्मी माँ कमल के सिंहासन पर विराजित हो। वहीं लक्ष्मी की मूर्ति या फिर गणेश और सरस्वती की मूर्ति को भी दीवार से बिल्कुल सटाकर नहीं रखना चाहिए, इसे दीवार से कम 1 इंच की दूरी पर होना चाहिए। ये भी ख्याल रखें कि गणपति लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं, यानी कि बेटे हैं। ऐसे में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा एक दूसरे से सटी हुई ना हो, जुड़ी हुई ना हो। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अलग अलग होनी चाहिए। वहीं लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करते समय आप ये ख्याल रखें कि लक्ष्मी माँ के हाथ में उनकी प्रिय चीजें जैसे धन का मटका, कमल, शंख आदि हो। ये वस्तुएं लक्ष्मी को बेहद पसंद हैं, इसीलिए ऐसे चित्र में लक्ष्मी को शुभ माना गया है। कहते हैं कि ऐसे चित्र की पूजा करने से बरकत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं श्री गणेश की। गणेश की मूर्ति कैसी होनी चाहिए? यूं तो गणेश जी के हर स्वरूप को मंगलकारी कहा गया है। गणेश विघ्न का नाश करने वाले हैं। लेकिन अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखकर गणेश की मूर्ति की पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि गणेश जी की सूंड बाएं हाथ की ओर घूमी हुई हो, इसे शुभ माना गया है। साथ ही ये भी ख्याल रखना होगा कि गणेश की सूंड में 2 बार घुमाव ना आया हो। इसके साथ साथ गणेश के हाथ में अगर लड्डू होगा तो उसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। गणेश की मूर्ति के साथ उनके मूषक राज होंगे तो भी ये बेहद अच्छा है। आपको ख्याल रखना है कि गणेश जी का एक हाथ वरदान की मुद्रा में हो।
गणेश की प्रतिमा के लिए एक और बात कही जाती है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर आपके घर में गणेश की दो प्रतिमा हैं और वो दोनों प्रतिमाएं आमने सामने पड़ी हुई हैं, तो ये शुभ होने की बजाय नुकसानदेही हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि आपके मंदिर में गणेश की एक ही प्रतिमा हो, और अगर दो प्रतिमा है भी तो उनका मुंह एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल ना हो। अब बात करते हैं माँ सरस्वती की। ख्याल रहे कि माँ सरस्वती की जिस चित्र की, जिस मूर्ति की आप पूजा कर रहे हैं, उसमें सरस्वती कमल पर विराजित हो, क्योंकि सरस्वती के लिए भी यही कहा जाता है कि अगर सरस्वती किसी मूर्ति में खड़ी हुई होंगी तो वो स्थिर नहीं रहेंगी। बल्कि हर देवी देवता के लिए ऐसी बात कही जाती है। सरस्वती माँ के हाथ में वीणा हमेशा रहती है। आप सरस्वती का कोई भी चित्र खरीदेंगे, उनके हाथ में वीणा होगी ही, साथ ही साथ उनके पास कुछ किताबें भी पड़ी हुई होंगी, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, इसीलिए ये दो चीजें सरस्वती को बेहद प्रिय हैं। अब एक और अहम सवाल, ये सवाल है कि क्या हर दीपावली पर नई मूर्ति खरीदना जरूरी है? तो चलिए इस सवाल का भी आपको जवाब देते हैं। हर दीपावली पर नई मूर्ति खरीदना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। आप चाहें तो आप पुरानी मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि अगर आपके पास कोई पुरानी मूर्ति है और आप उसकी पूजा करते आए हैं, तो आपको उसी की ही पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि आपकी पुरानी मूर्तियों में शक्तियों का निवास हो जाता है, आपकी पाठ पूजा का फल उस मूर्ति में एकत्रित होता है, इसीलिए पुरानी मूर्ति की पूजा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये बात और है कि अगर आपके पास लक्ष्मी गणेश या सरस्वती की मूर्ति नहीं है और आप मूर्ति खरीदना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन दोबारा दोहरा दें कि दीपावली पर हर बार नई मूर्तियां खरीदना जरूरी नहीं है। अक्सर लोग नई मूर्तियां इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि नई मूर्तियों से नई ऊर्जा निकलती है। आप अगर खरीदना चाहें तो नई मूर्ति खरीद सकते हैं, लेकिन अपने घर की पुरानी मूर्तियों का पूजन कभी न छोड़ें। आपको ये भी बता दें कि जो मूर्ति आप खरीद रहे हैं वो धातु की होनी चाहिए। सोना चांदी की होगी तो बेहद अच्छी बात है, लेकिन हर कोई सोना चांदी नहीं खरीद सकता, इसीलिए आप पीतल की मूर्ति भी या फिर अष्ट धातु की मूर्ति खरीद सकते हैं। क्रिस्टल के लक्ष्मी गणेश की पूजा भी शुभ मानी जाती है, आप उसे भी खरीद सकते हैं। तो हमने अपनी इस रिपोर्ट में आपको ये बताया कि किस तरीके की मूर्ति की पूजा होती है। हमने आपको बताया कि दीपावली पर किस किस देवी देवता की पूजा होती है। साथ ही आपको ये भी बताया कि क्या आपको हर बार नई मूर्ति खरीदनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल आपको परेशान कर रहा है, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी परेशानी का, आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। आप सभी को दीपावली मुबारक। कथा सागर, डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।